हेलो फ्रेंड्स, पृथु डेलीशियस रेसिपी में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए ऐसी रेसिपी बनाकर लाए हैं जो आपको बहुत पसंद आने वाली है। और अभी गर्मी का मौसम आने वाला है तो सभी का आइसक्रीम खाने का मन करता है, तो आज हम बनाएंगे एकदम बाजार जैसी चोकोबार आइसक्रीम। ये बहुत ही कम चीज़ों से और फटाफट से बनकर तैयार हो जाती है और इसमें समय भी बहुत कम लगता है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए बिना स्किप किए। तो चलिए फटाफट से हम आइसक्रीम बनाने चलते हैं। तो हम सबसे पहले पानी गर्म कर लेंगे एक तपेली में। यहाँ पानी हमारा गर्म हो चुका है, अच्छे से उकल चुका है, तो हमने गैस बंद कर दिया है। अब हमने यहाँ एक बाउल में डार्क चॉकलेट कंपाउंड ले लिया है, इसे हम डबल बॉयलर पे अच्छे से मेल्ट कर लेंगे। यहाँ हमने गैस को बंद कर दिया है, पानी गर्म है, इससे ये अच्छे से मेल्ट हो जाएगी। ये देखिए, ये बहुत ही आसानी से मेल्ट हो जाती है, तो हम इसे अच्छे से मेल्ट कर लेंगे ताकि इसमें कोई लम्स ना रहे। तो ये देखिए हमारी चॉकलेट अच्छे से मेल्ट हो चुकी है, अब हम इसे उतार लेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अब हम यहाँ पेपर कप ले लेंगे, यह मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं, तो हम इन्हें ले लेंगे और इसके अंदर हम ये चॉकलेट को अच्छे से कवर कर देंगे। सभी कप में हम ये चॉकलेट को अच्छे से कवर कर देंगे इस तरह हम कप को राउंड राउंड करते करते चॉकलेट को अच्छे से इसमें फैला देंगे। इस तरह हम सभी कप में चॉकलेट को अच्छे से कवर कर देंगे और इन्हें 15 से 20 मिनट के लिए फ्रिज में सेट होने के लिए रख देंगे। जब भी आप आइसक्रीम चॉकलेट जमाते हैं तो फ्रिज के टेम्परेचर को हाई रखना है, इससे हमारी चॉकलेट और आइसक्रीम अच्छे से सेट हो जाएगी। तो हम इन्हें रख देते हैं फ्रिज में 15-20 मिनट के लिए। तो अब हम यहाँ व्हिपिंग क्रीम बना लेते हैं। तो हमने यहाँ एक बाउल ले लिए, इसे हमने एक घंटे के लिए फ्रीजर में रख दिया थी, तो अच्छे से ठंडा हो चुका है। और एक बाउल में हमने आइस क्यूब ले लिए, आइस क्यूब के ऊपर हम ये बाउल को रख देंगे। और ये अमूल फ्रेश क्रीम ले लिए, इसे एक घंटे के लिए हमने फ्रीजर में रख दिया था, तो अच्छे से चिल्ड हो गई है, तो हम इसे निकाल लेंगे बाउल में। ये हमने पूरी क्रीम निकाल ली है, अब हम विस्क की सहायता से इसे अच्छे से व्हिप कर लेंगे क्रीम को। इसे जब तक व्हिप करना है जब तक हमारी ये जो क्रीम है डबल नहीं हो जाती। हमें यहाँ लगभग 5 मिनट हो चुके हैं इसे व्हिप करते करते। अब हम यहाँ शुगर ऐड करेंगे, अगर आपके पास आइसिंग शुगर है तो आप वो डाल दें, नहीं तो चीनी को बारीक पीस ले मिक्सी में, उसे डाल दें। तो यहाँ 2 बड़े चम्मच आइसिंग शुगर डाल देंगे, आप जितना मीठा खाना पसंद करते हैं उस हिसाब से आप शुगर डाल दें। तो हम इसे डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही आसानी से और फटाफट से व्हिप हो जाती है। तो देखिए इसमें व्हिप क्रीम में बबल्स आ रहे हैं, तो हम इसी तरह हाथ से इसे व्हिप करते रहेंगे जब तक ये जो हमारी क्रीम है वो डबल नहीं हो जाती। ये देखिए हमारी क्रीम डबल हो चुकी है, यहाँ लगभग हमें 10 मिनट लगे इसे व्हिप करने में। देखिए हमारी क्रीम अच्छे से व्हिप हो चुकी है, अब हम यहाँ इसे निकाल लेंगे। और ये देखिए हमारी बर्फी पानी बन चुकी है, इसे हम और 5 मिनट व्हिप करेंगे। अब हम इसमें वेनिला एसेंस डाल देंगे, इससे आइसक्रीम में अच्छा फ्लेवर आएगा। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसे स्किप कर दें और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम यहाँ
दो से तीन टेबल स्पून इसमें दूध डाल देंगे और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो हमें यहाँ लगभग 20 से 25 मिनट लगे क्रीम को व्हिप करने में। ये बहुत ही आसानी से और फटाफट से व्हिप हो जाती है और इसी में समय बहुत कम लगता है। तो ये हमारी वेनिला आइसक्रीम बनकर तैयार है। ये देखिए, हमें इसी तरह की टेक्सचर चाहिए, इसको ज़्यादा व्हिप नहीं करना है। और इधर हमारे कप भी अच्छे से सेट हो चुके हैं। तो अब हम इन्हें क्रीम को डाल देंगे इसके अंदर। यहाँ लगभग हमारी 10 आइसक्रीम बनकर तैयार हुई है। इसे ऊपर तक अच्छे से भर देंगे हम। ये देखिए, थोड़ा सा खाली रहने देना है। ये देखिए, हमने भर दिए। इस तरह हम दूसरे कप में भी क्रीम को डाल देंगे। हम सभी कप में आइसक्रीम को डाल दिया है। अब हम यहाँ एक पेपर फॉइल ले लेंगे और इससे कप को अच्छे से पैक कर देंगे। ये देखिए, इस तरह। इसी तरह हम सभी कप में पेपर फॉइल लगा देंगे। ये देखिए, इस तरह हम सभी कप में अच्छे से कवर कर देंगे। तो हमने सभी कप में अच्छे से फॉइल पेपर को कवर कर दिया और अब हम इसमें स्टिक लगा देंगे इस तरह और इन्हें और नाइट फ्रिज में रख देंगे। दीदी की सुबह हमारी आइसक्रीम अच्छे से सेट हो चुकी है। तो अब हम इन्हें चेक करेंगे, बहुत ही आसानी से निकल जाती है और इसमें समय बहुत कम लगता है। दीदी की इस तरह थोड़ा हाथ से इसको प्रेस कर लेना है ताकि ये आसानी से निकल जाए। दीदी की हमारी चोकोबार आइसक्रीम बनकर तैयार है। इसका सिर्फ शेप थोड़ा सा अलग है लेकिन टेस्ट वही है। बहुत ही टेस्टी बनी हमारी ये चोकोबार आइसक्रीम, आप भी जरूर ट्राई करिए। ये देखिए, बहुत ही आसानी से निकल जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलें, जिससे मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँगी तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ये देखिए, एकदम टेस्टी और एकदम बाजार जैसी हमारी चोकोबार आइसक्रीम बनकर तैयार है। बहुत ही टेस्टी बनी है, आप घर पर जरूर ट्राई करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।